लेकिन वो तो एक स्टैंडर्ड माहौल है खास माहौल के अंदर बिजनेस की बात की गई थी जिसके बारे में मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में अपना एक आइडिया रखता हूँ वो ये कि उसका क्रिटिकल आइडिया नहीं उस पर क्रिटिसिजम नहीं लेकिन आ, मार्क के सॉन्स इकोनॉमिक थेरी के साथ मैं काफ़ी हद तक जाना चाहूँगा उसमें आप ये देखिए कि मेनली हम आउटले करते हैं उसके बेहतर बेहतरीन आइडियाज ये हैं कि आंट्रप्र वो होता है कि हु कैन हैंडल शॉक वोलेटाइल uh, किस्म की अजीब गरीब किस्म की अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं यानी आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल आइडियाज चेंज हो सकते हैं uh, आपकी टेक्नोलॉजी uh, चेंज हो जाती है uh, यकदम एड्राप्ट चेंज आ जाता है आपके आइडियाज़ में चेंज आ सकता है आपके फैशन में चेंज आ सकता है बिजनेस के माहौल में चेंज आ सकता है डॉलर के एक्सचेंज रेट में फर्क आ सकता है तो वो ये कहते हैं कि वोटैलिटी और शॉक्स और उस

जहां पे आपको सर्टन आइडिया नहीं मिलेगा अनसर्टन मिलेगा और अनसर्टेनिटी ही के अंदर आपने डिफाइन करना है कि कौन से आपने जो गैप्स हैं, उनको आपने कैचआउट करना है अब इसमें अगर आप देखते हैं कि उन इंफॉर्मेश्स को हमने नहीं लेना जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती उन इंफॉर्मेशन को लेना है जो अनोन और अनसीन है फॉर एग्जाम्पल अगले आने वाले विंटर के अंदर मैं गारमेंट्स के कौन से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने वाला हूँ कितना टेम्परेचर रहेगा किस सीजन में कौन सा सीजनल इफेक्ट रहेगा और क्या क्या चीजें चेंज होंगी प्राइसेस क्या होंगे मार्केट किस तरफ जाएगी डायरेक्शन किस तरफ जाएगी और किस तरीके से मुझे इनपुट ज़्यादा मिलेगा और मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो कि पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यानी प्रेजेंट अवेलेबल डाटा के ऊपर मुझे रिलाई नहीं करना मुझे उन चीज़ों के ऊपर करना है जो मार्केट में इस वक्तेंट है उन वेरिएबल्स को मुझे मार्क करना होगा अंडरलाइन करना होगा और एक लिस्ट बना ले यानी आपके लिए मैं बता रहा हूं कि एक लिस्ट बना लीजिए में कि मुझको ये ये चीजें देखनी है जो गैप्स अवेलेबल नहीं है इसको एबसेंट कह रहे हैं मेनली वो डिस्कस करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज उसमें वो इन्वेस्टिगेटिंग रिसर्च एंड एक्सेस फॉर द सुपीरियर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है सुपीरियर इंफॉर्मेशन और हायर इंफॉर्मेशन तारीखी तौर पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसको अकुल अशरून कहते थे या हाइस्ट हेड कहते थे या बड़ी अकल कहा करते थे और उसमें हम ये मार्फत तो नहीं वजदान कहा करते हैं यानी अगर आप ये कहें कि मेरे पास एक आइडिया आया और आइडिया एक खास सतह का है जो इससे पहले नहीं आया लेकिन मेरा ये आइडिया ये कहता है यानी वो बेसिकली वो आपका वजदान यानी आपका इंस्टेंट के अंदर आपके जहन के अंदर एक ऐसा आइडिया आ जाता है जिसको आप शेयर नहीं कर पाते इसको वो हायर इंफॉर्मेशन या सुपीरियर इंफॉर्मेशन कहते हैं जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती जैसे मैंने आपको कहा कि आने वाले वक्त के अंदर मैं कौन से बिजनेसिस को देखूंगा मैं बहुत पुरानी एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि एक मैगजीमाइनस एक बहुत बड़े आ, चार हज़ार साल पहले जैसे बुक ऑफ स्पीशीज जिसने लिखी इसी तरीके से उस वक्त बुक ऑफ स्पीशीज ही की तरह एक किताब पर काम कर रहे थे एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे उन्होंने कहा कि आप फलसफा लिखते रहते हैं आप बिजनेस कभी नहीं कर सकेंगे उन्होंने कहा मैं बिज़नेस क्यों नहीं कर सकूं उन्होंने कहा कि आप तो काम करते रहते हैं पढ़ते लिखते रहते हैं तो आप कभी माल नहीं कमा सकते तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए किताबें साइड पर की और जैतून जो दरतों पर उगते थे और गिर जाते थे और ख़राब हो जाते थे उनके लिए उन्होंने क्योंकि पढ़ रखा था उनको पता था कि जैतून जो है वो पेरिशेबल आइटम है इस पेरिशबल आइटम को वो सिरका के अंदर रखेंगे और सिरका के अंदर रख के इसको प्रिजर्व करेंगे और कुछ अर्से के बाद मार्केट को इस हालत में बेचेंगे आज भी आप देखते हैं कि सिरका के अंदर आपको ब्लैक ओलि ग्रीन ओलि और बेशुमार टाइप के आपको ओलि अवेलेबल है मार्केट के अंदर तो अचानक क्या हुआ कि छः महीने के बाद जब वो मार्केट बनी और मैगजिमाइनस साहब जिनको वो गरीब आदमी कहते थे मैगजिमाइनस साहब अमीर तरीन आदमी थे यहाँ से आपने ये अंदाज़ा लगाया कि वो इंफॉर्मेशन जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं अगली दुनिया कहाँ जा रही होगी इस वक्त मैं वो काम कर लूँ तो अगली आने वाली दुनिया के अंदर वो स्टैंडर्ड बन चुका होगा वो फैशन बन चुका होगा और वो मार्केट की डिमांड बन चुकी होगी दूसरी बात जो है वह साहब कहते हैं टू सिचुएशन सिंस नॉलेज अवेलेबल इसमें इंपॉर्टेंट तीन बात यह है कि आपने उसको रिस्पोंड कैसे करना है आपने वो जो सुपीरियरबिलिटी आपके पास है एक आपके पास सुपीरियर इंफॉर्मेशन है इन दोनों को आपने मिक्स एंड मैच में कैसे लेकर आना है और इसको आपने रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाना है वो और सुपीरियर इंफॉर्मेशन ये वो चीजें यानी आपके ये इंफॉर्मेशन आपकी साइंस के रीडिंग्स में से भी आ सकती है आपकी साइंस की रिसर्च से आ सकती है आपकी ग्रेविटेशनल लॉस के अंदर से आ सकती है आपने स्पेस के अंदर एक नया पेन बनाया था वो हो सकती है और इससे अगली आने वाली दुनिया के अंदर बहुत सी और कौन कौन सी ईजादात हो सकती हैं वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन का हिस्सा हो सकते हैं यानी एक आइडिया आप ये सोचते हैं कि अभी दुनिया टच पर है और मैं अभी आपके सामने शेयर करूं तो मैं ये चाहूँगा कि अगले कुछ अर्से के बाद मेरी स्किन के ऊपर मेरी स्किन के ऊपर ऐसा बायोलॉजिकल मॉडल बन जाए कि मोबाइल को मैं अपने हाथ के अपर पाम की तरफ देखूँ तो मैं अपना मोबाइल ऑपरेट कर लूँ और मेरा कान जो है वो खुद ब खुद बायोलॉजिकली उस आवाज़ को सुन ले और मैं इधर से ही प्रेस कर लूँ ये अभी तो कितना अजीब गरीब आइडिया है और आप ये समझेंगे कि ये एक स्टुपट आइडिया हो सकता है ये एक बेवकूफ़ाना या एक पागल का ख्याल या मैड अप्रोच हो सकती है लेकिन एक कल को अगर इस तरह का कोई आइडिया आ गया और दुनिया तकरीबन तो 360 डिग्री दोबारा इसे टच पर आई थी एनालॉग से डिजिटल हुई थी डिजिटल से टच पर आ गई तो अब कुछ भी हो सकता है सो हाउ यू कुपॉन्स टू दिनोरियल जजमेंट ये आपको लिंक देखना पड़ता है थर्डली उसके ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारी अनसर्टन और सर्टन कंडीशंस को देखते हुए उसको रिस्पॉन्ड करना मार्क के थेरी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर uh, है इस factor को अगर हम देखें तो अनसर्टन uh, so, के अंदर आपका जो इकोनॉमिक रोल है through economic condition, knowledge, क्या आपका ऐसा नॉलेज जो अवेलेबल रिसोर्सेज या सोर्सेज से नहीं मिल रहा ऐसा रिसोर्स जो कि अनसीन और अननोन है उसको कंडीशनलाइज करके मार्केट कंडीशंस के मुताबिक कर देना और उस सोर्स से रिजल्ट ले लेना मार्क कैसोन साहब कहते हैं ये इकोनॉमिक थेरी उस तरफ लेके जाती है जहाँ से हम ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और नई इनोवेशन प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक मार्क कैसोन के बाद हम एक नई थेरी की तरफ चलेंगे तो यूए रिसोन्स